नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एजेंसी इंडिया.com की टीम आज उदयपुर के चेटक सर्कल पर आई हुई है। आप देख पा रहे होंगे महाराणा प्रताप के घोड़े चेटक का भव्य प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने। फिलहाल जो महत्वपूर्ण बात ये है कि एल्ट बालाजी जो कि एकता कपूर के द्वारा चलाएगा एक वेब पोर्टल है, इस पर चेटक घोड़े के बारे में जो तुलना की गई है वो मानव अंग से की गई है। कई बार जो उनका वेब सीरीज़ है उस सीरियल में गंदी बात सीज़न 4 करके एक सीरियल वेब सीरियल आया है अभी, उसमें इसकी तुलना मानव अंग से की गई है और कई भद्दे प्रसंगों में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों मैं बताता चलूँ कि ये जो घोड़ा है चेटक घोड़ा, इसका अपने आप में एक इतिहास है। मेवाड़ में घोड़ों को पूजा जाता है, घोड़ों को किसी समय पेंशन दी जाती थी। बात है 18 जून 1576 की, जब हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप इस चेटक घोड़े पर सवार थे और मुग़ल सैनिकों के खेमे में जब उन्हें दूर से अकबर का सेनापति मानसिंह जब नज़र आया तो ये जो चेटक घोड़े पर सवार होकर चेटक घोड़ा मुग़ल खेमे में घुस गया और घुसते हुए मानसिंह जो कि हाथी पर बैठा हुआ था, चेटक घोड़े ने हाथी के सर के ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की और छलांग लगा के जब वो नीचे उतरा तो हाथी पर लगे बख्तरबंद तलवार से चेटक की एक टांग कट गई। उसके बावजूद चेटक घोड़े ने अपने स्वाभिभक्ति दिखाते हुए महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से बचाते हुए ले गया और रास्ते में तकरीबन 100 फीट के नाले को भी इसने क्रॉस किया और 100 फीट के नाले को, बरसाती नाले को मुग़ल सेना क्रॉस नहीं कर पाई। आगे जाकर 5 किलोमीटर दूर जाकर चेतक निढाल हो गया और अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए इस चेतक ने महाराणा प्रताप की आन को बचा लिया। दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि कहीं पर भी महाराणा प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध नहीं आ रहे थे। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि युद्ध के बाद में ठीक एक महीने बाद में उस ज़माने में जो पट्टे जारी किए गए वो पट्टे महाराणा प्रताप के राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। जो भूमि पट्टे दिए जाते हैं आसपास गोगुंदा इलाके में जो पट्टे दिए गए थे वो भी पट्टे सारे महाराणा प्रताप के द्वारा दिए गए थे, राज परिवार के द्वारा दिए गए थे। और इस घोड़े की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी बताना चाहूँगा कि इसको बेचने के लिए उदय सिंह के समय पर महाराणा उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे उस दौरान एक सौदागर आया। उस ज़माने में बमुश्किल तीन जातियों के घोड़े बिका करते थे, मारवाड़ी, सिंधी और काठियावाड़ी घोड़ा। और ये जो अश्व जो है चेतक अश्व जो है ये एक मारवाड़ी घोड़ा था। अमूमन जो सौदागर था वो दो घोड़े लेके आया था जिसमें पहले घोड़े का नाम एटक था और दूसरे घोड़े का नाम चेटक था। जब महाराणा उदय सिंह ने बोला कि इसकी क्या खासियत है तो जो सौदागर आया था उसने बोला था कि साहब ये कहीं रुकेगा नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा। तो महाराणा ने अपने विश्वस्त लोगों को कहा कि इसकी जांच कराई जाए। तो लोगों ने किया कि इसके भाई एटक को खड़ा करके वहीं पर पिघला शीशा डलवा दिया गया और थोड़ी देर बाद एक जानकार अश्वबाज से एटक को एड लगवाई गई और जैसे ही एड लगाई गई एड लगा के ही खुर वहीं रह गए और एटक उछल कर आगे गिर गया। तभी महाराणा प्रताप को चेटक की नस्ल समझ में आ गई और वो दिन था और आखिरी एक दिन तक हल्दीघाटी के 18 जून 1576 तक ये घोड़ा महाराणा प्रताप का साथी बना रहा और महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध को जीत कर निकले। मुग़ल सेना भाग खड़ी हुई, मुग़ल सेना में हलचल मच पड़ी और उसके बावजूद जिस तरीके से एकता कपूर द्वारा जो मानव अंग से तुलना की गई चेटक की, उदयपुर में अश्वों को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, यहाँ का राज परिवार दशहरे पर अश्व पूजन किया करता है और हमारे फिल्म निर्माता सीरियल निर्माता चेटक जैसे महान स्वामी भक्त घोड़े की तुलना मानव अंग से कर रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी इंडिया उदयपुर राजस्थान। थैंक यू।